गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 प्रश्न है 3। ठीक है, दिया है जांच कीजिए कि 7 + 3x + 3x³ + 7x² है या नहीं। ठीक है, तो हमें जांच करना है कि 3x³ + 7x मतलब इसका अगर इससे हम भाग दे रहे हैं तो गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड का मतलब जैसे अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं और इसका शेषफल जो है जीरो आता है तो ये ऑलरेडी इसका गुणनखंड होगा, और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं। तो आपका ऑलरेडी दे रखा है पी एक्स 3x³ + 7x और आपका यहाँ पे है 7 + 3x। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब 3x + 7 = 0 रखने पर। ठीक है, तो देखिए इधर है आपका 3x, अभी प्लस में उधर गया तो आपका गया माइनस में 7। फिर जब x लिखेंगे तो इधर 3x गुणा में है तो उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -7 और इधर गुणा में तो उधर गया तो भाग, तो भाग में हो गया आपका 3। यानी कि x का जो वैल्यू हमें आया कितना, -7/3। तो अब जहाँ जहाँ पे x दिया है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो आपका हो गया पी एक्स बराबर 3x³ + 7x है। तो x का जहां पे मान है x का मान वहां पे पुट कर देंगे जहां जहां पे x है, तो हो जाएगा आपका पी बराबर -7/3 - 7/3³ + 7 × 7/3। ठीक है, अब देखिए तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए 7 का तो 7 × 7 = 49 और 49 का फिर 3 बार, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और ऑलरेडी इधर आपका माइनस में 7/3³ जो है क्यू है, यानी कि इसको 3 बार लिखना है। तो लिखेंगे -7/3 × -7/3 × -7/3। तो देखिए 7 × 7 = 49 का फिर 7 में गुणा करेंगे -3 = 43। फिर देखिए 3 का करेंगे तो 3 × 3 = 27 यानी कि हो गया आपका नीचे 27 प्लस प्लस में आप देखिए फिर यहाँ पे 7 का ऊपर 7 ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 × 7 = 49 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस में आपका हो गया 49/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका ऊपर गुणा कर दें और एलसीएम देके काट दें, अन्य तो यहीं से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 9³ = 27 तो आपका हो गया -3 = 43/9 - 49/3। अब देखिए जब भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भिन्न का जब जोड़ या घटाना दे और नीचे हर जो है समान न हो तो उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपका हो गया 9 एलसीएम हो गया। देखिए तो ऑलरेडी देखिए जब जितना एलसीएम आता है उसमें नीचे वाले से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो 9 में 9 से भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -343 और माइनस का सिंबल है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 से जब 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा यानी कि आपका हो गया 49/3। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा आपका ऊपर लिख दे रहे हैं तो हो गया आपका -343/9 और यहाँ देखिए -9³/27 का 7 हासिल आया 2 और 4 × 3 = 12 = 14 यानी कि 147। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 7 × 3 = 10 हासिल आया 1 4 × 4 = 8 = 9 × 3 = 4 अब बटा में आपका 9 और यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस का है तो आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि जो इसका शेषफल है आपको मिल गया -490/9 और ऑलरेडी जब शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल कुछ और है यानी कि इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल
बराबर माइनस 490 बटा में 9। अतः अतः पी एक्स बराबर 3x³ + 7x का गुणनखंड गुणनखंड 7 + 3x नहीं है। अगर जीरो आता इसका शेषफल तो गुणनखंड रहता, और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह जीरो नहीं आता, क्योंकि शेषफल देखिए माइनस में 490/9 आया था, इसलिए शेषफल इतना था तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ।